दोस्तों फाइनली हमने टायर कर लिए फिट, नट वट हो गए पूरे टाइट। तो अब हम रात को बैठेंगे यहीं, क्योंकि जब पत्थर लेकर आए तो उन्होंने भाड़ा भी डाला नहीं है, पैसे सारे ख़त्म हो गए हैं। तब रात को वेट करेंगे इधर ही, सुबह जब तक भाड़ा आता है। अभी जाते हैं नहाने के लिए, तो नहा के आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि दूध मिला नहीं। 10 रुपए एक बड़ा पैकेट दूध का मिला यहाँ पे, ये खराब हो जाता है। दो बंदे कितना दूध पियेंगे, कितनी चाहिए देखो। चलो 10 पैकेट खाते हैं। ये दूध अमूल का पैकेट मिला। चलो अब ये खराब हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, अब शाम तक हम इसको ख़त्म कर देंगे, खराब नहीं होने देंगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सारे? अभी हमने अभी उठे सुबह के बजे 10, हम अभी उठे थोड़ा लेट, तो अभी हम जा रहे हैं FCI भरने के लिए दीनानगर। हमारी दो गाड़ियाँ आ चुकी हैं, वो आगे वेट कर रही हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे ख़त्म हो गए थे, तो अभी अपनी दो गाड़ियाँ आई हैं। मेरा अभी भाड़ा मिला नहीं है, जो मैं माल लेकर आया था उसका भी भाड़ा वो शाम को अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी पैसे हैं नहीं, तो अभी दो गाड़ियाँ हमारी आई हैं, तो अभी मैं उनसे ले लूँगा पैसा। तो जा रहे हैं हम लोड करने के लिए यहाँ दीनानगर, वहाँ से भरेंगे FCI। उस्ताद हमारा नाराज़ हो गया था, पता नहीं क्यों, क्या बात हो गई थी। तो ये अभी भी मूड में है, इसने सुबह चाय भी नहीं पी। मजाक कर रहा हूँ, चाय इसने पी, ये कभी नहीं छोड़ता चाय। साहब आपको सुबह बिना चाय पिए कैसा फील आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। हमें अभी स्टेपनी भी लेनी है, यहाँ से आगे से स्टेपनी उठानी है, क्योंकि हमने स्टेपनी दे रही थी अपनी दूसरी गाड़ी को, उसको टायर ब्लास्ट हो गए थे दो, तो यहाँ आगे टायर पड़ा है, वो टायर भी लेना है। अभी हमने पहले जाके हम लोड वोड करके आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, इसके बाद लेते उठाते हैं यहाँ से स्टेपनी वगैरह वो। ये चलते हैं पहले फिलहाल सीधा पठानकोट। दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम दीनानगर, यहाँ गाड़ियाँ अपनी आई हुई हैं, अब चलते हैं। दोस्तों आप पहुँचे दीनानगर, आज हम आप बैठे BS6 भारत बैंक, फुल AC एंजॉय, वाह नज़ारा ही अलग है। AC गाड़ी में बैठने का नज़ारा ही अलग है ना, आपको मैं बता नहीं सकता क्या सीन है। देखो एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल। कोई साउंड इसमें अंदर नहीं आ रहा है, विदाउट साउंड प्रूफ गाड़ी आप बोल सकते हैं इसको, चलाने में एकदम मज़ेदार। तो पहुंच गया मैच में, शीट डाल ली हमने, अभी होगा थोड़ी देर बाद लोड हमारा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओहो पूछो मत। ये देखो शीट बिछा लिया हमने, ये साइड में जो ये आप देख रहे हैं, ये घर से जो हम वो मिट्टी लेकर आए थे पत्थर है उनका लगा हुआ है, तो गाड़ी साफ भी नहीं थी पूरी, तभी जुगाड़ करके हमने डाल ली शीट इसके ऊपर। अभी हो जाएगी गाड़ी लोड, इम्तियाज लगा रहा है काबले, इसने पहले लगाए नहीं, अभी गर्मी फाड़ रहा है मेरी भी गांड। खाना अभी हमने बनाया नहीं है, लोड करने के बाद देखते खाते खाना निकलते, ठीक है। FCI दीनानगर, ये हमारी गाड़ी फेंक गई थी इधर, को थोड़ा धक्का लगाना पड़ा, निकल गई है। अभी उतरते नीचे, बनाते खाना, खाना खाते हैं उसके बाद लगाते गाड़ी लोडिंग, ठीक है। दोस्तों हमारी दो गाड़ियां हो रही हैं लोड, और अभी हमने खाना बनाया, अब हम यहीं पे थोड़ा छाँव है यहाँ पर बैठ के खा लेते हैं खाना, जब तक तो वो गाड़ियाँ लोड होंगी उसके बाद लगाते हैं हम गाड़ी लोडिंग पे। अच्छा खाना खा लेते, खाने के लिए कहाँ से कहाँ दर पदर यहाँ गर्मी में, क्या है ना, जब खाना नहीं टाइम पे खाएंगे तो फ़ायदा क्या ऐसा काम करने का। वो देखो दोस्तों एक दूसरी गाड़ी हमारी लोड करके आ गई, वाला इतना टाइम है। देखो सलाद भी रेडी होगी, मूली लेकर आए थे हम, काफ़ी अच्छी है, अच्छी है ताज़ी।
खाएं, खा लेते हैं। देखो सब्जी होगी हमारी तैयार। इम्तियाज़ ने पहले ही खा लिया खाना, ठंडा खाना बचा था वो, इसने वही खा लिया। अब मेरे हिस्से में ये गरम गरम आ गया, बहुत गरम है ये, बहुत ज़्यादा। सब्जी ख़त्म, खाना चावल बचे, ये हो गया सलाद, ये हो गया पानी की बोतल। अब करते हैं खाना शुरू। दोस्तों खाना खा लिया हमने, इम्तियाज़ को भेजा गाड़ी लेके, वो गाड़ी ले गया। अब मैं बर्तन वर्तन उठाता हूँ अपने, जाता हूँ लाता हुए धोके। इम्तियाज़ गया यहाँ से गाड़ी लेके। ये बोल रहे थे लेबर वाले, इसको यहाँ से चले जाओ, यहाँ कीचड़ सामने गाड़ी फंस जाती। तो ये देखो दो गाड़ी हमारी लोड हो गई। अभी हमारी दो बच्ची हैं, किधर लगी है, एक गई मेरी वाली गाड़ी लोड करने को। अभी मैं उठा लेता हूँ बर्तन धो के लाता हूँ, तो उसके बाद लोड करके निकलते। दोस्तों गाड़ी लग गई हमारी लोडिंग पे, लेबर गई है खाना खाने के लिए। बस हमारा हो गया खाना पीना, बस हमारी दो गाड़ियां रह गई थी, अभी लोड हो जाएंगी। इनका रस्सी तरपाल लगा, बस हमारी दिक्कत है थोड़ी, थोड़ा टाइम लगेगा रस्सी तरपाल। बाकी इनका तीनों गाड़ियों का लगा हुआ था रस्सी तरपाल, ये घर से खाली आते हैं, यहाँ से लोड करके लेके जाते, तो एक साइड इनको तरपाल डालना पड़ता, हमारा थोड़ा टेंशन नहीं है, डबल साइड उधर भी। चलो करते हैं इसमें क्या, ठीक है। दोस्तों गाड़ी होगी अपनी लोड, दो गाड़ियाँ चली गई हमारी, जो हमारी बच गई तो अपने शेठ से, हमारे शेठ जी। दोनों गाड़ियाँ अभी हमारी हो रही है लोड, और भी 10-20 मिनट लगे लोड करने को। 20 मिनट के बाद चलते हैं रस्सी तरपाल। पैसे थे नहीं मेरे पास, नहीं मैंने दिए पैसे, तो अभी उन्होंने भाड़ा भी नहीं डाला, दिक्कत बड़ी आ रही है, क्या करें। अभी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, क्या करते हैं सिलाई वाली बोरी डाल देते, तो इससे पहले कि सिलाई वाली बोरी अंदर ना जाए यहीं पर देखना पड़ता है। दोस्तों गाड़ियाँ होगी अपनी दौड़, अभी हम निकलेंगे, तीनों गाड़ियाँ लोड होगी हमारी। हमें तो रस्सी तरपाल डालना था, तो इनका डला हुआ था, ये भी लोड होगी। अभी दो और हैं वो पीछे, हम निकलते आगे धीरे धीरे। माल भरा हमने कपाड़ा का, वहाँ से इम्तियाज़ भाई जाएगा घर, मैं भी चला जाऊँगा घर सोपर से। इम्तियाज़ ने नहा लिया जल्दी, दो मिनट में लगाया इसने नहाने को, मैं अभी बाल्टी निकाल रहा था, इसने नहा लिया। ये देखो पंजाब रोडवेज, नहीं ये हमारी जम्मू कश्मीर SRTC रोडवेज है। ये है पंजाब की ग्रीनरी आप देख रहे हैं, तो रात के बजे 8, तो हमने पीछे ही मुर्गा ले लिया था, अभी चाकू नहीं था हमारे पास लकड़ी वाला, ये देखे चाकू लिया है। तो अभी हम यहाँ पर करेंगे मुर्गे को ज़बह, आपको दिखाता हूँ कि जो लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं ये जो ड्राइवर हमारे जाते हैं बाहर, ये झटका वटका खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई झटका वटका हम नहीं खाते, हम मुर्गा खरीद के खुद का मुर्गा खुद ज़बह करते हैं, हम आपको अभी दिखाएँगे। दोस्तों रात के बजे 9, मैं बना रहा हूँ सब्जी, इम्तियाज़ चला रहा है गाड़ी, मैं बनाऊँगा सब्ज़ी। अब प्याज काटने लगा मैं, ये चिकन मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, अभी इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद ये तैयार हो जाएगा, तब तक इम्तियाज़ चलता रहेगा, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचेंगे। कानवाई आगे रोक दी गई है, तो अभी हम भी कानवाई तक चलते हैं लगभग लगातार,
ठीक है। अभी मैं काट सब्जी काट देता हूँ, तैयार कर देता हूँ सारा। लेकिन इम्तियाज भाई अब चलना थोड़ा धीरे धीरे ताकि ये गिरे ना, ठीक है। छाले पड़ गए ये देखो अभी, यार क्या बताएं आपको, कितनी मुश्किल से खाने खा रहे हैं। इम्तियाज भाई आपके हाथ में भी छाले हो गए, इधर दिखाना कौन से आदमी दिखाना यार। ये देखो क्योंकि मैंने तो चलो यार कम टाइम, इम्तियाज भाई 5 साल के बाद रस्सी खींच रहे हैं तो इसके हाथ में भी पूरे पूरे छाले हो गए। ये तो हो गया मेरा एक हाथ, ये खाना नहीं खाया जा रहा मुझसे अभी। अभी मैं आपको दूसरा हाथ दिखा दूं यार, आप तो डर ही जाओगे। ये देख रहे, ये देखो ये आपके सामने, ये आपको साफ दिख रहा होगा। ये देखो ये हो गया ये छोटी वाली उंगली में छाला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आज हालत थोड़ी ख़राब, मैं बीमार हो गया था, रात को खाना भी नहीं खा सका तो हम यहाँ सिर्फ मोड़ में रोक दिया था हमको। परसों हम आए थे यहाँ तो अभी कार्रवाई नहीं छोड़ी है। रात को बारिश पड़ रही थी तो बारिश की वजह से आगे भी रोड बंद हो गया था। जो श्रीनगर से गाड़ियाँ छोड़ी थी तो वो अभी तक पूरी क्रॉस नहीं हुई हैं तो मैं हो गया हूँ बीमार, पूरी बुरी हालत। अच्छा इम्तियाज़ को भी प्रॉब्लम, टेंशन हाल हो गया। इसने भी काफ़ी टाइम के बाद, इम्तियाज़ ने भी काफ़ी टाइम के बाद क्या किया, रस्सी वस्सी का, इसके भी हाथ पूरे कट गए, मेरे भी हाथ कट गए पूरे। तो अभी मैं हूँ बीमार, मैं करूँगा रेस्ट, सो जाऊँगा। इम्तियाज़ को बोला, मैंने बोला चाहे गाड़ियाँ छोड़ें क्या हो, मुझे हिलाना नहीं। तो ये बेचारा अभी गया था यार, गया मानसर, यहाँ से वहाँ से दवाई लेकर आया तो किसी चीज़ में ही मतलब टेस्ट नहीं आ रहा है ना खाने में ना पीने में। तो अभी मेडिसिन वेडिसिन ले लिए, थोड़ा थोड़ी तबीयत बेहतर दिख रही है वरना बाकी अंदर से तो ख़त्म ही है। अब ये ड्रामे ही हैं आपको दिखाने वाले। हेलो दोस्तों, शाम के बजे 7 और हम पहुंचे जखानी। तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरे को होश ही नहीं था कुछ, काफ़ी दवाई भी नहीं था। अभी आगे देखता हूँ कहीं मेडिकल में वहाँ से दवाई मेडिसिन ले लूँगा। इम्तियाज़ की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, परसों दवाई डाली ले आया था तो अभी ठीक है, पर मेरा बेड़ा गर्क हो गया। बस थोड़े टाइम बाद ही हम जखानी कर लेंगे बाहर, फिर वहाँ आगे जाके सरमोनी में कहीं लगाते हैं गाड़ी साइड में, वहाँ पीते हैं चाय और मिलूँगा वहाँ मेडिसिन वेडिसन कहीं से। उस तक चक्के वक्के गाड़ी भी ठंडी करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि आपको पता ही है पिछले दिनों भी जब वापस आ रहे थे घर से तो टायर बैठ गया अचानक, चक्के गर्म हो गए, ट्यूब टंगूर दोनों उसका ख़राब हो गया। अब इस बार हमने वैसे नहीं चलना, हमने बिल्कुल धीरे धीरे चलना है ताकि हमारा जो टायर है, स्टपनी भी है नहीं हमारे पास, हमारी दूसरी गाड़ी का क्या हो गया था, उसका टायर ब्लास्ट हो गया था, जो अपनी स्टपनी थी हमारी वो हमने उसको दे दी थी। तो अभी हमारे पास स्टपनी भी नहीं है तो हमें सोच समझ के ही चलना है। वेरी गुड। इम्तियाज़ को बोला था, मैंने बोला थके तो नहीं, बोलता है नहीं, अगर थका कहता तो मैंने फिर भी नहीं चलानी थी। एक बार दोस्तों मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूं, ये बाहर का कैसा लग रहा है अभी। है बाहर का व्यू समरोली का, ये देखो आप, ये ऊपर थोड़े थोड़े घर बने हुए हैं, पूरी पहाड़ी काट के रोड में। अब इसको क्या होता है रोड में, ये यहाँ से लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो ऊपर से पूरी पहाड़ी बारिश पड़ती है तो ये निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पर अभी भी ताज़ा ये स्लाइड आई है ऊपर से, ये देखो देखो। तो ये सीन हो जाता है, ऐसे सीन की वजह से गाड़ियाँ रुक जाती हैं, जाम लग जाता है, तो इस वजह से हमें भी लेट हो जाता है। जहाँ के अगर 6 दिन का सफ़र है,
छः दिन के सफ़र में 15-15 दिन लग जाते हैं, तो क्या बताएं मैं आपको, बता दूँ अगर ये लैंड स्लाइडिंग वगैरह रोड बंद की परेशानी ना हो तो बंदा मुझे लगता है 2 दिन में जम्मू से लोड करके ट्रक वापस आ जाएगा, 1 दिन उधर से, दूसरे दिन लोड करके शाम को फिर वापस, दूसरे दिन आके श्रीनगर पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, दोपहर के बजे 12 में पहुंचा अभी घर, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मेरा फ्रेंड, मैंने फ़ोन किया था फ्रेंड को, तो ये आ गया गाड़ी लेके, तो ले आया मुझे रास्ते से उठा के, मुझे मतलब पूरी जान ही निकल गई थी, टांग में से चल ही नहीं सकता था मैं, तो अभी पहुंचने वाला हूँ कुछ मिनटों के बाद घर, तो मतलब बदन पूरा चूर चूर टूटा हुआ है। तो ये इस्माइल को फोन किया था, ये हाय गाइस कैसे हैं आप, सारे नहीं बोलता, ये आज कुछ मूड में ही है, पता नहीं क्या है। तो अभी ठीक होने के बाद देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, वैसे हमने इरादा किया था हम गुरेज जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल गए नहीं कहीं। अच्छा ये देखो, ये हमारा एक, फाइनली गाइस पहुँच गया मैं घर, इस्माइल चला गया घर, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, वो रहा सामने मेरा घर, यहाँ से मुझे थोड़ा ही चल के जाना है घर तक, यहाँ पर छोड़ा मुझे इस्माइल ने, ये जो रास्ता जाता है ये जाता सीधा इस्माइल के घर, इस्माइल चला गया घर, अब मैं भी चलता हूँ घर, वो पता नहीं था कि मैं आ जाने वालों का, अचानक किया है घर, फ़ोन भी नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ आज घर, क्योंकि तबीयत बिगड़ गई तो इसलिए अचानक ही आना पड़ा, वरना मैं शायद बोलकर मैं लाया भी नहीं कुछ घर के लिए, कुछ नहीं लाया, सब्ज़ी भी नहीं लाई, वो ये कोई चीज़ नहीं लाई, क्योंकि रफ्तार ही नहीं है उतनी, खुद को लेके नहीं चल सकता। ठीक है तो दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।